ही अमेजिंग थी। किस तरह से देखते हो, क्या कुछ कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? सेंटर मुनावर को आपने काफी क्लोज भी देखा, क्या कुछ क्वालिटी आपको लगी जिससे वो विनर बन सके? सारा यू सपोर्टेड शिवम ऑल्सो, आपने शिवम को भी सपोर्ट किया, उनकी गेम कैसा लगा आपको? शिवम क्या कहना चाहोगे, कितनी लाइफ बदली है आपको कल से आज तक? आपने सोशल मीडिया देखा होगा, कितनी क्या क्या चेंज आया है कुछ आप बताना चाहेंगे? इस चीज़ में चेंज मुझ में, हाँ दुनिया में मेरे आसपास हुई है। और देखो जो मेरा सपना था, मैंने रियलिटी शो में भी बोला है कि मीडिया प्रेस हर कोई इम्प्रेस, तो मैं ये चकाचौंध देख रहा हूँ, इसी चीज़ के लिए तो मैं आया था मुंबई में। अब कल मैंने देखा इतने सारे लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, गुलाब दे रहे हैं, तो मैंने पकाया था 1 घंटा खड़ा हो गया, 1.5 घंटा सबको मैंने टाइम दिया कि मुझसे कुछ छूट ना जाए, मुझसे कुछ छूट ना जाए जो मैं आप तक पहुँचा ना सकूँ। बस ऐसी ज़िंदगी जी और आगे भी जी रहे हैं, और ये सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है, इतने सारे बाइक्स आ गए, बेसिक स्टार्टिंग है। शिवम आपसे जानना चाहूँगा, मुनावर की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे उनको मिला ऑडियंस अच्छा मतलब की ऐसी क्वालिटी जिससे तो बना, हाँ उसकी माइंड गेम्स है अच्छी, माइंड गेम्स चाहिए। और मैं जो है, मैं भी एक बैटर्स था, उससे ज़्यादा बैटर्स कोई नहीं था, पर क्योंकि उसको जो उसका जो वेरिएशन था वो नहीं दिखा पाया, बट क्योंकि उसकी माइंड गेम अच्छी थी इसलिए वो ज़्यादा अच्छा बेहतर प्लेयर है, क्योंकि वो एक रियलिटी शो है, गेम शो है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर विनर्स जो होते हैं जिनकी माइंड गेम भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मैं लोगों का मनोरंजन करता है, एंटरटेन किया मैंने दुनिया को, और मैं लोगों को हंसाने में ज़्यादा मैंने विश्वास रखा, भले कि मैं ज़्यादा गेम खेलूँ, मेरा गेम में ज़्यादा ध्यान नहीं था, मेरा एंटरटेनमेंट जो दुनिया की ऑडियंस जब टी वी ऑन करे तो हंसे, वो हंसे मुझे दिखता, और उसलिए मैंने वो गेम में शिवम ऐसा भी हुआ है कि आप